हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल। अब देखिए इसमें किरण सामान्य अध्ययन प्राचीन भारत आपका चल रहा, किरण की जो बुक है उसमें बात करें 1957 से लेके मार्च 2018 तक के प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं सबको संकलन किया गया है, इसी को हम कंप्लीट कर रहे हैं पूरा। और प्राचीन भारत का आज अंतिम पार्ट है। प्राचीन भारत के जितने भी प्रश्न लगभग अगर जो हम देख लें छः पार्टों को मिला के तो लगभग 350-400 प्रश्न आपने अच्छे से तैयार कर लिए। अब भरोसा है, एकदम भरोसा रखिए, इससे बाहर आपका प्रश्न कहीं भी नहीं जाएगा। चाहे आप सीजीएल लेवल तक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, चाहे आप यूपीएसआई, चाहे लेखपाल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी यहाँ पे बेटर हो गई। तो छः दिनों में आपने पूरा प्राचीन भारत अच्छे से कंप्लीट या कवर कर लिया है। जैसा कि लिखा आएगा पढ़ने में मजा, तो आप सबको मजा पढ़ने में आ रहा है, जैसे कि आप लोगों के कमेंट्स अब सुनने को मिलते हैं। अब देखिए मध्यकालीन भारत के लिए आप लोग रिस्पॉन्स बताइए कॉमेंट करके कब से शुरू किया जाए। मैं चाहता हूँ इसको जल्दी भी, इस मध्यकालीन भारत को भी हम कंप्लीट कर लें, हिस्ट्री का पोर्शन जितना हो सके हम 20 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद हमारा जो टॉपिक चलेगा वो आप लोग बताइए क्या करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लॉस करते। उससे पहले चैनल पर तो चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब और बेल का आइकन भी क्लिक कर लो, जिससे मैं जब भी ये आपको कोई भी वीडियो अपलोड करूँ चैनल पर उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ध्यान रखिएगा आपको शाम को 7 बजे आठ बजे आपको डेली ये क्लास मिलती है किरण वाले बुक की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि छठा पार्ट मैंने बताया, तो छठे पार्ट में आपके लगभग 55 क्वेश्चन है जिनको हम करेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत के टोटल हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से चार संवतों के आरंभ में कालक्रम कौन सा सही था, मतलब कौन सा संवत पहले आया था, कौन सा काल पहले आया था। ठीक है, तो हम इसमें संवतों के क्रम की बात करें तो हमें याद होना चाहिए जो शक संवत आई थी, शक संवत हमारी कब आई थी, 78 ईस्वी में आई थी। उसके बाद हमारी आई थी गुप्त संवत की बात करें तो गुप्त संवत हमारा कब आया था, 319 में आया था। और हमारा हिजरी संवत 622, हिजरी संवत कब आया था, 622 में आया था। और हमारा जो ग्रेगोरियन संवत आया था वो 1582, तो यही हमारा क्रम बन जाता। तो इसको ध्यान रखिएगा, शक संवत 78 ईस्वी में आया था, गुप्त संवत 319, उसके बाद हिजरी, तो हमारा क्रम कौन सा हो जाएगा, पहले शक हो जाएगा, दूसरा गुप्त हो जाएगा, तीसरा हिजरी, चौथा ग्रेगोरियन, ऑप्शन नंबर तो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन सा है, कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़नी अश्वघोष, ऑप्शन 3 भास, ऑप्शन 4 कालिदास। ध्यान रखिएगा 8वीं सदी ईसा पूर्व में संस्कृत का विद्वान था पाणिनि, और यही हमारे सबसे प्राचीन है। और इनकी एक रचना है कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, अष्टाध्यायी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, तो देश में पूछो, ध्यान रखिएगा चाइना में स्थापित की गई है। और भगवान बुद्ध की सबसे अच्छी ऊंची प्रतिमा, ये भारत की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बामियान में स्थापित की गई थी और कुषाण शासन काल में ये हुआ था। ठीक है, तो बामियान यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नोक्त वास्तुशिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे है कोणार्क सूर्य मंदिर, दूसरा खजुराहो, तीसरा, यहाँ पे देखिए कोणार्क यहाँ पे राइट आंसर है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण आपके ईसा की 12वीं सदी में नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको हम ब्लैक पैगोडा नाम से भी जानते हैं, और इसका निर्माण किसने करवाया था, गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव, इन्होंने इनका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किस के द्वारा किया गया, तो ध्यान देखिएगा चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। छह नंबर प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत का वह स्थल या स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बात करें आगरा फोर्ट शामिल है, जो तिरुपति तिरुमाला मंदिर ये शामिल नहीं है। ठीक है, दिल्ली का हुमायूं का मकबरा ये शामिल है, केवला देव नेशनल पार्क ये सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन जो यहाँ पर तिरुपति का तिरुमाला मंदिर है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। सातवें प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं में कालानुक्रम व्यवस्थित करना है कि कौन सी सा घटना पहले हुआ था, तो ऑप्शन ए मोहम्मद पैगंबर का जन्म, ऑप्शन बी है भारत में गुप्त राजवंश का उदय, ऑप्शन सी है रोमन कोलोसियस का पूरा होना, और तीसरा है पीटर महान का रूस का जार बना। ठीक है, तो यहाँ पे सातवां का क्या आंसर हो जाएगा, पहले हमारा रोमन कोलोसियस का पूरा होना, दूसरा गुप्त राजवंश, तीसरा पैगंबर मोहम्मद का जन्म, चौथा पीटर महान का रूस का जार। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट आठवां, ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित सिर्फ गुफाओं का एक नेटवर्क है। तो कौन सी गुफाएं हैं वो, एलिफेंटा। ठीक, यूनेस्को की सूची में शामिल विरासत स्थलों के स्मारकों को उनके स्थानों से सही जोड़े बनाना है। तो सूर्य मंदिर यहाँ पे सबसे पहले देखिए कोणार्क में स्थित है। उसके बाद आता है हमारा गुफाओं की चित्रकारी की बात करें तो अजंता से रिलेटेड है, अभी आया था थोड़ी देर पहले। शैलकृत मंदिर की बात करें तो एलोरा में हो गया, और लास्ट बचा बेलिस्का आप बाग जेसुस तो वेला में हो गया। ठीक है, तो नोवा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए दसवां, वर्मा इस समय म्यांमार का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा प्राचीन भारत में वर्मा को स्वर्ण भूमि कहा जाता था, क्या कहा जाता था, स्वर्ण भूमि। नेक्स्ट 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा कालिदास का था मेघदूत, ये संस्कृत साहित्यिक से संबंधित है। 12 नंबर चलिए, राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है। तो मांडुक्य से लिया गया, ध्यान रखिएगा ये मांडुक्य नहीं मुंडकोपनिषद है, मुंडक है, मुंडकोपनिषद। ठीक है, बोलते हैं इसका नाम, आपने मुंडकोपनिषद सुना होगा लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज मैं भी हो गया मांडुक्य में। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, कहाँ पे, कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था, राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। एलोरा के गुफाओं और शैलकृत मंदिर हैं किस धर्म के से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा ये हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्म से रिलेटेड है एलोरा की गुफाएं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, 15 नंबर बताइए। तो 15 की बात करें, कृष्णदेव राय अमुक्त मालद ये सही है, हर्षवर्धन नागनंद ये भी सही है। और विशाख दत्त का ये कीर्तार्जुनियम ये गलत है। ठीक है, इनके दो ही नाटक हैं पुद्रा रक्षर और देवी चंद्र गुप्तम, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा भारत में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है, बिहार में स्थित है। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है। तो 17 का बताइए, तो किसमें, जातक कथाओं में इसके बारे में वर्णित है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है आपका, नालंदा। तक्षशिला होता तो तक्षशिला ऑप्शन में है नहीं, इसलिए नालंदा हम लगाएंगे। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है, कौन सा है, पदुकोट्टे। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है, तो अष्टाध्यायी किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो आबू पर्वत, माउंट आबू पर्वत पे स्थित है, राजस्थान में पड़ता है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, गांधार कला से रिलेटेड था इसलिए प्रसिद्ध था। इन पे देखिए आद्य मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल कराना है। तो बात करें प्रतिहार, प्रतिहार का कन्नौज हो जाएगा, चंदेल का खजुराहो, परमार का धार और चालुक का अहिलवाड़ा। ये सही है, पहले से मिला हुआ है, मिलाना नहीं है। अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं, तो अजंता की कलाकृतियाँ जो गुप्त काल से संबंधित हैं। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है, तो 26 का कौन सा है, तीसरा है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट 27 नंबर, प्राचीन भारत में निम्नोक्ता में से कौन सा विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था, तो तक्षशिला भी था, नालंदा भी था, विक्रमशिला भी था, लेकिन कौसाम्बी नहीं था। सांची क्यों विख्यात है,
तो सांची की बात करें तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए ये विख्यात है। 28 तक हो गया आपका। 29 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ध्यान रखिए, खजुराहो चंदेल के शासकों ने बनवाया था, ये आपका सही है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा, पेशावर। निम्नलिखित में सभी मध्यकालीन मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा मंदिर बृहदेश्वर मंदिर, जो तंजौर में पड़ता है। सांची का महान स्तूप है, कहाँ पे है सांची का महान स्तूप? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनमें देखिए, कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, पहले कौन सा काल आया था? तो ध्यान रखिएगा, 33 का आपका, पहले कौन आया था? हर्यक वंश आया था, तो पहला हर्यक हो गया, चौथा ऑप्शन नंबर चौथा देखेंगे तो यहाँ पे ये सही हो सकता है। हर्यक वंश के बाद बात करें, हमारा शिशुनाग वंश आया था, शिशुनाग हमारा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा कौन आया था? मौर्य वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद हमारा, सॉरी यहाँ पे देखिए, हमारा पहले कौन सा आया था? हर्यक वंश आया था, ओके, हर्यक आया था पहले, उसके बाद आए थे हमारे शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद हमारे आए थे नंद वंश, नंद वंश के बाद आए थे मौर्य वंश। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। 34, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में बुद्ध की मूर्तियों का विरूपित किया गया है, जो मुरापित विरूपित किया गया और हटाया गया? तो ध्यान रखिए, अफगानिस्तान इसका आंसर सही है। 35 नंबर, निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है? तो चावर्क, कौन? चावक चिकित्सक नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन युग है शक युग, बौद्ध युग, मध्य युग या विक्रम युग? तो सबसे प्राचीन बौद्ध युग है, ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इनके समीप स्थित है, किनके समीप स्थित है? ऑप्शन के हिसाब से बताइए, तो औरंगाबाद के समीप स्थित है। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए, तो प्राचीन भारत के कुछ चिकित्सक की पहचान करना है, तो इसमें हम देखेंगे हमारा कौन सा हो जाएगा? चरक, सुश्रुत तथा पतंजलि, ये तीनों चिकित्सक थे, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। मिलान करना है सही वाला, तो कविराज मार्ग का क्या हो जाएगा? अमोघ वर्ष। आदि पुराण का किससे हो जाएगा? जिनसेन से। गणित सारा सामग्री किससे हो जाएगा? महावीराचार्य से। और अमोघ विग्री हो जाएगा सक्टायन से। तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजवंशों का मिलान करना है, किस राजवंश से रिलेटेड थे? तो पल्लव की बात करें, पल्लव से कौन रिलेटेड थे? सिंह विष्णु। चालुक्य वंश के शासक दंत कौन थे? पुलकेसिन फर्स्ट थे। राष्ट्रकूट वंश के कौन थे? दंती दुर्ग थे। और होयसल वंश के विष्णुवर्धन थे। ठीक है, तो इस हिसाब से 40 का दूसरा सही हो जाएगा। श्री पेरम्बदूर किसका जन्मस्थल है? तो श्री पेरम्बदूर श्री रामानुजाचार्य का जन्मस्थल है। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? तो धम्मे भी है, सॉरी सांची में भी है, आपका भरहुत में भी है, धमेद भी है, रांची में आपका नहीं है। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसलिए क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए, सबसे प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय? तो तक्षशिला है। बारामिहिर का पंच सिद्धांतम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खगोल विज्ञान से। 46, बारामिहिर कौन थे? तो बारामिहिर की बात करें, एक खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर जिसे बोलते हैं। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? संपादक की बात हो रही है तो कौन थे? आर सामा शास्त्री। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था? तो किससे अपनाया था? अशोक से अपनाया था। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा ने किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में पड़ता है ये।
नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? कोझिकोड कालीकट कहलाता था। कालीकट केरल में पड़ता है, जहाँ पे राजा आपके वास्को डी गामा पहली बार आया था केरल के कालीकट, उस टाइम कोझिकोड बोलते थे। वहाँ के राजा कौन थे? आपके जमोरियन, जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। 52 नंबर, ईसा पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक पुस्तक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था, इसका अर्थ क्या होता है? मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए मेल नहीं खाता कौन सा आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन वेनसांग के दरबार में आया था, अकबर टोडल अकबर के दरबार में था, चंद्रगुप्त चाणक के दरबार में, सॉरी चंद्रगुप्त के दरबार में चाणक था, लेकिन विक्रमादित्य चैतन ये मेल नहीं खाता। नेक्स्ट, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। इसमें मिलान करना है 55 नंबर। तो बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो तमिलनाडु में पड़ता आपका दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो माउंट आबू पर स्थित है, माउंट आबू राजस्थान में है। लिंगराज मंदिर की बात करें तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है, और हम्पी का स्मारक कर्नाटक में हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ आपका प्राचीन भारत, यहाँ से आपका कंप्लीट होता है पूरा किरण पब्लिकेशन का। और बहुत अगर जो आपने अच्छे से पढ़ लिया तो एक बार और अच्छे से देख लीजिए पूरा वीडियो जो 5-6 पार्ट है, और उसके बाद आपको कहीं से हिस्ट्री प्राचीन भारत पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मध्यकालीन भारत के लिए बोलिएगा जल्दी शुरू किया जाना है, जल्दी शुरू किया जाए कि नहीं, जैसा भी हो आपको बताइएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।